हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज़। इफ़ यू वांट टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश देन यू हैव टू गो टू माय अनदर चैनल वेयर आई मेक दिस टाइप ऑफ वीडियोस इन इंग्लिश। द लिंक ऑफ दैट चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा में जाना चाहते हैं और अगर आप आईटी से बिलोंग करते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। एक्चुअली कनाडा में काफ़ी आईटी का डिमांड है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी आईटी का डिमांड हर जगह होता है, लेकिन कनाडा एक ऐसा प्रोविंस है, एक ऐसा जगह है, एक ऐसा कंट्री है जहां पर आईटी का काफ़ी डिमांड होने के वजह से वहां के लोगों में इस चीज़ का ज़्यादा क्रेज़ है और बाहर से जो लोग जाते हैं उनको भी मतलब यहाँ पर ज़्यादा क्रेज़ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कितने वेजेस मिलेंगी और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके अलावा कैसे अप्लाई करेंगे और कौन कौन से मतलब जॉब के क्या रिक्वायरमेंट है और क्या हमारा रोल होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हुए चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। और वहाँ जाने से पहले एक बार और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में और फैमिली में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप माल्टा या आप कनाडा जाना चाहते हैं और किसी एजेंट या कंसल्टेंट का सहारा लेना चाहते हैं तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे दो लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप उसको फिलअप करके आप अपना डिटेल को हमारे पास सेंड कर सकती हैं तो हम आपको मतलब कनाडा और माल्टा के जो जेन्यून कंसल्टेंट है, एजेंट है, उनके पास भेज देंगे जो लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको कि कौन से ऐसे मतलब प्रोफेशन के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डेटा साइंटिस्ट जो है कनाडा में काफ़ी डिमांडेड ये जॉब है और ये जो कैटेगरी आता है एनओसी आता है 2172 के अंदर आता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप इजीली गूगल कर सकते हैं इस कैटेगरी के ऊपर और यहाँ से आप जॉब के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो आपका मतलब डेटा मैनेजमेंट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डेटा लेते हैं, आईटी से इंफॉर्मेशन से बिलोंग करते हैं और ये लोग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इन लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। ये आपको बता दें आपको कि डेटा एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करते हैं और डेटा एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से लोग अपना काम को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से ये जॉब है और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये जॉब किए हुए हैं और आपके पास इसका क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है और आप कनाडा में इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब के लिए, तो आपको यूनिवर्सिटी लेवल का आपको एजुकेशन चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि आपको जो रिक्वायरमेंट है मतलब जो डिग्री का, वो आपको यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको मैं बता दूं कि इसका जो सर्च हुआ है मतलब जॉब बैंक कनाडा में इसका जो सर्चेज हुआ है मतलब जॉब जो यहाँ पर अवेलेबल है अभी राइट नाउ, तो 111 जॉब्स यहाँ पर सर्चेज है। इसके अलावा और भी सारे वेबसाइट हैं जिस पे आप जाके अपने लिए यहाँ पर जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये काफ़ी हॉट डिमांड जॉब है वहाँ पर कनाडा में, तो आप इसके लिए आप इजीली मतलब सर्च कर सकते हैं जॉब्स वेबसाइट पर जाके और वहाँ पर आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको मतलब क्या क्या स्किल आपको दरकार पड़ता है मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कितने वेजेस मिलेंगे आपको। जैसे आप वहाँ पर अपॉइंट होते हैं तो आपको कंपनी कितने वेजेस करके पे करेगा, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर $35 पर आवर आपको पेमेंट मिलेगा, मतलब कि ये काफ़ी अच्छा एक पेमेंट का ऑप्शन है अगर आप इसमें अपॉइंट होते हैं, अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं। तो ये वैरी करता है, ये आपको फिक्स नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा इंक्रीज़ भी होता है डिक्रीज़ भी होता है, लेकिन डिक्रीज़ बहुत ही कम होता है लेकिन इंक्रीज़ ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं इसमें इंक्रीज़ होता है। तो ये हुआ आपका वेजेस का। वहीं मैं आपको बात करूं कि कौन कौन से ऐसे स्किल्स लगेंगे आपको मतलब डेटा साइंटिस्ट में अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कलेक्ट एंड डॉक्यूमेंट यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट्स के, मतलब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट को, ठीक है। इसके अलावा डिज़ाइन और डेवलप करना है डेटाबेस को, डेटाबेस को आपको डिज़ाइन और डेवलप करना है। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट, मॉडिफाई, इंप्लीमेंट एंड टेस्ट डेटा मॉडल्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट्स, तो ये तमाम आप तरह के इसके स्किल्स यहाँ पर मेंशन किए हुए, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका मेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट इस पेज पे आ जाइएगा और इसको आप इजीली आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके बारे में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप यहाँ पर जो ये हेड देख रही है, तो समरी मैंने एक्सप्लेन किया है अभी, आप जो ये हेड देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन, वेजेस, प्रॉस्पेक्ट्स, जॉब्स, रिक्वायरमेंट, स्किल्स, तो इस सब को आप ऊपर क्लिक कर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके, जब आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए तो इसके बारे में पूरा डिटेल बताएगा आपको कि मतलब क्या है ये जॉब्स, कैसे रिक्वायरमेंट है, ये तो आपको समरी में बताया था जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और इसमें पूरा टोटल ए टू जेड आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जॉब ड्यूटीज़ यहाँ पर बता रहा है आपको कि क्या आपका जॉब ड्यूटीज़ होगा, इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और इसके बाद आपका जॉब टाइटल्स बता रहा है यहाँ पर, जॉब टाइटल्स में आपको क्या क्या मतलब कौन कौन से नाम से ये जाना जाता है,
ये जो प्रोफेशन है, इसके बाद इसके इससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे ऑक्यूपेशन है वो भी यहाँ पर मेंशन कर रहा है, सबका एक लिंक दिया हुआ है, अगर इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये एक नेक्स्ट पेज में खुल जाएगा। तो ये हुआ इसका डिस्क्रिप्शन। अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है कि मतलब कौन कौन से ऐसे जॉब्स निकलते हैं बेसिकली इस पर, तो आप जॉब से क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जॉब पोस्ट होता है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। बेसिकली ये डेटा यहीं से उठाया हुआ है, मतलब जो जो एम्प्लॉयर लोग मतलब चाहते हैं जिस तरीके से जॉब्स, उस तरीके से यहाँ पर जो वो लोग अपना रिक्वायरमेंट डाले हैं वही रिक्वायरमेंट के बेसिस में इस ये फाइल को, ये जो मतलब डेटाबेस को तैयार किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कनाडा में सिर्फ जो है 111 इसके वैकेंसीज है, इसके बाद आपका मतलब समझ लीजिए कि ओंटारियो में, क्वेबेक में और आपका ब्रिटिश कोलंबिया में, बीसी में 18-18 करके, मतलब ये इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो आप और आपको मिलेगा कि मतलब एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लीजिए आप ये जो वेबसाइट दिया हुआ, इस वेबसाइट में ये जो आपका जो जॉब पोस्ट किया हुआ है ये इसके बारे में आपको दे रहा है, बेसिकली ये न्यूज़ भी बता रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जॉब फाइंड आउट करना, जैसे मान लीजिए आप कनाडा में ही जॉब फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कितने तरीके जॉब निकले हुए हैं, मतलब बेसिकली कौन कौन से जॉब होते हैं इस लाइन में। तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद, अभी ये ओपन हो रहा है तब तक मैं कुछ और दिखा देता हूँ आपको। और जहाँ तक आप सवाल रिक्वायरमेंट का, तो रिक्वायरमेंट जो आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बता देगा कि क्या क्या आपको लगेगा रिक्वायरमेंट, मतलब इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपको चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट में देख सकते हैं आपको बैचलर डिग्री लगेगा, जो मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपको पूछेगा, यहाँ पर बताया हुआ कि वी डोंट हैव एनी डेटा और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, इनके पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन अगर ये आपको जिस तरीके से बताया जाएगा, जिस तरीके से कहा जाएगा, उस तरीके से आपको फॉलो करना पड़ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ कि जॉब कैसे होते हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जॉब कुछ इस तरीके से होते हैं। डेटा साइंटिस्ट आपका सर्वे में, बीजी में है, ब्रिटिश कोलंबिया में है, ये सैलरी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, एनुअली आपको इतना मिलेगा जो कि नेगोशिएट किया जा सकता है। और ये जो जॉब पोस्ट हुआ है वो 18 दिसंबर 2020 को हुआ है, मतलब काफ़ी रिसेंट है, कल ही पोस्ट हुआ है जहाँ तक अभी मैं देख पा रहा हूँ इसको। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर डेटा, ये भी आप देख सकते हैं 15 दिसंबर को पोस्ट हुआ है और ये ओंटारियो में है, इसका भी सैलरी मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आप डेटा वेयरहाउस एनालिस्ट देखा हुआ, डेटा एनालिस्ट देखा हुआ, डेटाबेस एनालिस्ट देखा हुआ, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर देखा हुआ, ये सब जॉब्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी और वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कहीं और से ये पोस्ट किया हुआ है जॉब्स को, तो इसको भी आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जॉब जो है ब्रिटिश कोलंबिया का, ये भी किसी और वेबसाइट से किया हुआ, डिफरेंट वेबसाइट से किया हुआ, तो इसको भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स है, ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ यही वेबसाइट है जहाँ पर आप जॉब देख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप गूगल में जाकर लिखिएगा कनाडा जॉब्स, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी पहले बनाया हुआ है, और ऐसे भी आप मतलब गूगल में जाकर लिखिए कनाडा जॉब्स, तो आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स आएंगे सामने जिसमें आप जाकर इजीली अप्लाई कर सकते हैं और जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसा कि आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो जॉब्स है ये गूगल की तरफ से है, तो ये इसमें भी आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी एक जॉब पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ से अपना मतलब चॉइस कर सकते हैं कौन से जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये भी एक देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा आप नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और करने के बाद देख सकते हैं कि आप जैसे नौकरी है, इंडीड है, ये सब मतलब काफ़ी फेमस वहाँ पर जॉब वेबसाइट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ग्लास डोर में है, ये भी काफ़ी अच्छा मतलब वेबसाइट है यहाँ पर। इसके अलावा आप स्क्रॉल डाउन करके और भी देख सकते हैं, सीमोर में कीजिएगा तो और आपको सामने ऑप्शंस खुल जाएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से और भी जॉब्स वेबसाइट हैं वहाँ पे। तो इन जॉब वेबसाइट में जाकर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए और मतलब जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा इसमें ऐसा ये होता है कि इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ कि कौन कौन से जॉब वेबसाइट में जाकर आपको जॉब फाइंड आउट करना है, बहुत सारे मैंने वीडियोज़ बनाया हुआ कनाडा के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं और देखने के बाद वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको लगता है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सीवी और कवर लेटर लगेगा, यूज़ लगेगा, तो वो अगर सीवी और कवर लेटर आप नहीं जानते हैं कैसे बनता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, कनाडा का क्या स्टाइल है, तो उसके लिए आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी, ये 26 मिनट का ये वीडियो है, इसमें मैंने सीवी कवर लेटर के बारे में पूरा कवर किया हुआ और कैसे आप फॉर्मेट बनाइएगा और कैसे आप डाउनलोड कीजिए सब इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, तो इसको आप देख सकते हैं। देखने के बाद इसके बेसिस में आप अपना सीवी और कवर लेटर को रेडी कर सकते हैं।
बस इसके अलावा मैंने और भी इसमें जॉब वेबसाइट के बारे में डिस्कस किया है, जैसा कि आप ये वीडियो हमारा देख सकते हैं यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम के ऊपर, इसमें भी मैंने बताया है कि कौन कौन से आपके जॉब वेबसाइट में जाकर आपको जॉब कैसे कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, ये मैंने बताया हुआ है। तो बहुत सारे मैंने कैनेडा के ऊपर जॉब बनाया हुआ है, और जैसे कि आप ये देख सकते हैं सम न्यू जॉब सर्च वेबसाइट्स, इसमें भी मैंने कुछ वेबसाइट्स का नाम मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा मैंने अभी जो मेंशन किया है वेबसाइट जो बताया है ये भी आप देख सकते हैं। और इन सब के अलावा सबसे बेहतरीन अगर मैं आपको बताऊँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो वो बोलूँ मैं आपको, तो वो इंडीड है, सॉरी वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन का आप यूज़ करके आप अच्छा से एक जॉब पा सकते हैं अपने लिए और अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो लिंक्डइन में एक्टिव है और वहाँ पे जॉब पोस्ट करते हैं, तो अगर आप वहाँ पे एक्टिव है, अपना प्रोफाइल अच्छा बनाए हैं और वहाँ पे आप अपने आप को अच्छा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर एक अच्छा अपना मतलब प्रेजेंस दिखाकर आप एक जॉब ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर आपका ये स्ट्रीम है, अगर आप डेटा साइंटिस्ट में है और आपके पास आईटी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है उसको आप देखकर उसके हिसाब से आप अपना मतलब अप्लाई कीजिए और ये सब कीजिए। मैं इन सब का आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ जाइएगा और आने के बाद आप अपना तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके इस टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो करके बना दूंगा। तो बेसिकली आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। कैसे लगा आपको वीडियो लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे ये चैनल बहुत नया है और इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये काफ़ी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में फैमिली में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।